हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। स्क्रिप्ट है राजा राजकुमार, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था फिल्म को लेकर? ये फिल्म का जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मेरे ये स्क्रिप्ट आने से पहले मेरे मन में यही चलता था कि कोई फुल एक्शन फिल्म करूं, और मन में चल रहा था। और कुछ दिन बाद इसका स्क्रिप्ट आया जिसमें एक्शन के साथ साथ सारी चीज़ें मौजूद थी, तो ऐसा लगा जैसे कि जो मेरी विश थी वो पूरी हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने काम किया। तो इसमें बहुत सारे एक्शन जिस तरह से देखने को मिला ट्रेलर में, तो एक्शन के दौरान कभी ऐसा हुआ कि बहुत किसी ऐसे रिएक्शन में आपको काफ़ी टेक लेना पड़ा हो? वो तो ऐसा है, जो दिलीप मास्टर जी सर कैमरा लुक सेंटर, दिलीप मास्टर जी हमारे हैं जो फाइट मास्टर इस फिल्म के हैं, तो वो इतने अच्छे से बताते हैं बाबू बाबू करके कि ज़्यादा रिटेक होता नहीं है, उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं, कोई भी सीन वैसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा रिटेक करना होगा, एक दो रिटेक, तीन रिटेक, तो ये नॉर्मली चीज़ है। ट्रेलर में एक लव स्टोरी भी नजर आ रही है जहाँ पर दूसरी तरफ एक्शन भी है, पूरा मिक्सअप लग रहा है फिल्म। क्या लग रहा है दर्शकों को, ये स्क्रिप्ट कितनी पसंद आएगी? अगर पसंद आएगी तो क्यों आएगी? क्योंकि इस फिल्म में जो हमारे दर्शकों को चाहिए वो सब कुछ मौजूद है। एक्शन चाहिए, एक्शन मौजूद है। लव, एक प्यारी सी लव स्टोरी है इस फिल्म में, वो भी मौजूद है। और इतने अच्छे अच्छे ट्विस्ट हैं जो पब्लिक अगर देखेगी तो बोले ये कैसा हो। तो मेरे ख्याल से जो सिनेमा में होना चाहिए वो सब कुछ मौजूद है इस फिल्म में, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे पब्लिक को बहुत अच्छा। इसमें बहुत सारे डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं, कोई ऐसा डायलॉग जो आप बोलना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, जनता के लिए? हम एक बात बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये फिल्म हमारे बनारस के ऊपर बेस्ड है, और कि हम बनारसी हैं गुरु, हम पर भोलेनाथ का साया है, हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब वो हमारा है। तो बनारस की ये फिल्म है, बनारस को आपने कितने नजदीक से देखा है, कितना समझा है आपने बनारस को? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। बनारस जब मैं क्लास फिफ्थ पास किया था तो हमारे पापा हमें बनारस लेके चले आए थे, और क्लास सिक्स से हमारा सारा शिक्षा दीक्षा, हमने फिर हाई स्कूल वहाँ से किया, इंटर किया, और म्यूजिक से ग्रेजुएशन किया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। तो हमारी सारी शिक्षा दीक्षा, हमारे सारे दोस्त सभी लोग बनारस हैं, और हम बाय लॉ यूपी के ही हैं। तो बनारस एक अड़भंगी शहर है, और सच कहूँ तो उसको छोड़ के आने का मन नहीं करता है। घुंगरू भैया भी बनारस से रिलेटेड, हम सभी लोग एक राकेश भैया को छोड़ के बनारस से सभी लोग रिलेटेड हैं। ये तो है बनारस की मिट्टी में कि वो बनारस को छोड़ के आने का मन नहीं करता है। एयरपोर्ट पे आने से पहले लगता है कि यार फिर से लौट के घर चले जाए क्या। तो बनारस अक्खड़पन अल्हड़पन उसकी मिट्टी में है बनारस की, मरवा हो ही ना, ये वाली स्थिति होती है। मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पे रहने के लिए सबसे अच्छा जगह है बनारस। आप फिल्म के निर्माता हैं, आपको इस जोड़ी पर कितना विश्वास था, और आपने इस फिल्म को जब बनाने के लिए आपका इसमें पैसा इन्वेस्ट है, तो आपने कितना सोचना पड़ा था कि ये जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी इस फिल्म में? मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था। सर लुक दीजिए जी, समय के भी पाबंद हैं, और इनके मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा रहता है, क्योंकि ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे ये भरोसा था, और पवन जी ने मुझे बताया तो हमने कहा बहुत अच्छा है, अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो तैयार है, बाकी सब अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा भी, क्योंकि 19 में हम लोगों ने इसको शूट किया, अब 20 आ गया, तो ईश्वर की कृपा से 20 ही रहेगा। क्या 20 ही। तो आप फिल्म के निर्माता हैं, आपने खाली पैसे ही लगाना इस पे सही समझा, या फिर शूटिंग के दौरान आप वहाँ पर रहकर देखते थे कि जो फिल्म बन रही है यहाँ पे कहीं कुछ कमियाँ ना रह जाए, या फिर पूरा ध्यान भी देते थे आप? कभी एक आध दो बार मैं सेट पे गया था, क्योंकि पैसा लगाना है तो पैसा कहीं से आएगा तभी लगेगा, तो हमारे और सारे बिजनेस हैं तो उसमें मेरा ज़्यादा समय आता है। बाकी मेरी पूरी टीम है, तो टीम ने काफ़ी मेहनत किया, मेहनत कर भी रहे हैं, आज आपके सामने हम लोग आए हैं इतने दूर से चल के, तो भगवान अच्छा करे इसलिए हम लोग बैठे, और आप लोगों की दुआएँ हैं,
आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा सब अच्छा होगा। आप नाम के साथ साईं भी लगाते हैं, बताना चाहेंगे वजह क्या, कितनी श्रद्धा आस्था विश्वास है? मैं 20 सालों से बाबा जी का दर्शन करता हूँ। मैं हमेशा फर्स्ट जब स्टार्ट होता है ईयर स्टार्ट होता है तो पहले गुरुवार को मैं साईं मंदिर आता हूँ। तो संजोग से मैं पहले गुरुवार को आया, पवन जी ने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो हम फिर बोले कि ठीक है रितेश जी से बात करिए, लोगों से बात करिए अगर उनका समय मिलता है, क्योंकि भाई लोगों का समय बहुत कीमती है, तो अगर समय मिलता है तो हम लोग एक साथ बैठते हैं, मीडिया वाले भाई रहेंगे, सब अच्छा अच्छा होगा। तो 20 में सब अब बिजी हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरी टीम फिर 20 करने वाली है। तो आपने बताया कि आप साईं भक्त हैं इसलिए आप अपने नाम के आगे साईं लगाते हैं, तो क्या आप इस फिल्म की कामयाबी के लिए आपकी पूरी टीम के साथ, जिस तरह से आपके जो फिल्म के स्टार कास्ट है उनके साथ, क्या आप साईं दरबार जाएंगे फिल्म की कामयाबी के लिए? क्यों नहीं, हम तो बाबा के भक्त हैं, हमारी टीम कामयाब तो होना तय है। वो मेरा दिल करता है, बाबा कृपा है, माता पिता के आशीर्वाद है कि कामयाबी मिलनी है, और मैं पूरी टीम के साथ बाबा जी का दर्शन करूँ। तो इस पे आपकी चर्चा हुई कि नहीं अभी तक टीम के साथ? टीम पे चर्चाएं होती रहती है, हमारे पवन भाई हैं जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, ये बीच बीच में लोगों से बातें करते रहते। रितेश जी से हमने नए साल में बधाई के लिए हमने फोन किया भाई को, तो संजोग से ये बनारस थे, मैं इनके यहाँ था मुंबई में, ये बनारस में थे, तो सब अच्छा है। मैडम जी, पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कि फिल्म को पूरा बना के कंप्लीट करना और पूरा आपका जो डायरेक्शन रहता है, तो किस तरह का ये पूरा आपका होल, आपकी टीम कितना अंडरस्टूड थी, कितने समझदारी के साथ आपने उनके साथ काम कर पाए, और कौन था जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा या जो सबसे ज़्यादा आपसे डांट खाए और फिल्म की शूटिंग के दौरान? नहीं, फिल्म में तो कोई मेरे से डांट नहीं खाया, सारे लोगों ने कोऑपरेट किया, उन्हीं लोगों के कोऑपरेशन के चलते फिल्म बहुत अच्छी बन पाई। आए दिन हर फ्राइडे को जिस तरह से मूवी रिलीज होती है, लेकिन सबसे हटकर क्या इस फिल्म में खास होगा, और आपने जब इस फिल्म को बनाने की शुरुआत की तो आपके माइंड में क्या था कि किस तरह की फिल्म और किस तरह का एक मैसेज या फिर किस तरह का एक स्क्रिप्ट होगा जो जनता के बीच जाएगा और जनता इसे पसंद करेगी? प्रथम बात यह है कि भोजपुरी जो है जिसके लिए जाना जाता है उसको मैं सोचा हूँ कि इसमें प्रदर्शित कर हुआ है अच्छा, चूँकि वल्गरिटी नहीं है हमारे फिल्म में, और गाने अच्छे अच्छे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के आप सिनेमा हॉल में देख सकते हैं, और एक्शन होना चाहिए भोजपुरी में, जो देखते हैं कि दो एक्शन तीन एक्शन होता है, रितेश बाबू 13 एक्शन इसमें किए हैं और पूरे एक्शन से भरपूर मैं बनाने की कोशिश किया हूं। आगे आपके फरवरी के नेक्स्ट मंथ में जब फिल्म रिलीज होगी तो आप देखिएगा, बहुत अच्छा होगा इसका प्रदर्शन और अच्छा होने वाला है। तो रितेश जी को एक्शन मूवी ही चाहिए थी और उन्हें एक्शन मूवी मिल गई, और आपने जैसे बताया कि 13 एक्शन है उनकी मूवी में, तो एक्शन के दौरान कभी कोई दिक्कत हुई उन्हें, कभी उन्होंने उनको जो एक्शन दिया गया उन्होंने बखूबी से निभाया है? नहीं, बहुत अच्छा से निभाया, और मेरे दिलीप दादा जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट और एक्शन का करवाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और हम लोगों ने इसको 3 जगह एक्शन किया है, मुंबई में भी किया, मिर्जापुर में किया और दानगंज, तीनों जगह एक्शन मैंने इसमें करवाया था। सर, जैसे कि आपने कहा कि फरवरी में फिल्म रिलीज हो रही, तो कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है जरा बताइए, कौन कौन से स्टेट में रिलीज हो रही है? अभी तो बिहार झारखंड में तो फाइनल है कि रिलीज होगी, आगे हम लोग देख रहे हैं। तो डेट अभी तक क्यों डिसाइड नहीं हो पाया? डिसाइड है, फर्स्ट वीक में, अब जब हो जाए फरवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज होना है। और अक्षरा जी और रितेश जी की जोड़ी कितना धमाल मचाएगी, जो उन्होंने काफी जो भी अभी तक की फिल्में रही हैं वो हमेशा ही सुपरहिट रही हैं, तो ये फिल्म को किस उम्मीद के साथ देख रहे हैं? ये फिल्म काफी चर्चित है, आपको पता होगा, और ये है बहुत पहले से चर्चा में राजा राजकुमार रही है, और उम्मीद भी है इसमें अच्छे अच्छे गाने हैं, अभी आपने ट्रेलर में देखा भी, और बाकी जनता जनार्दन है, जरूर अच्छा होगा। बनारस को कितना इसमें इस फिल्म के माध्यम से आपने दिखाने की कोशिश की है, और क्या बनारस में भी फिल्म की शूटिंग की गई है? बनारस में 70% शूटिंग हमने बनारस में ही किया है इसका, और बनारस बेस्ट है ये है। बात करें जो है रितेश जी का जो सुपरहिट गाना है गोरी तोड़ चुनरी लाल चुनरी व लाल लाल रे, तो वो गाने का अगला पसंद करता, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें, तो वो का खास कर क्या था उस गाने को इस फिल्म में जगह देने का? गाना ऑलरेडी हिट था और बहुत अच्छा लगा गाना, और इसलिए हमने उसको इसमें दिया।
रितेश जी, जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताजी बनारस लेके गए, तो बनारस कितना बदला, कुछ विकास हुआ है बनारस में? और आपके संघर्ष का बनारस और आज का बनारस कितना अंतर है? मौजूदा हालात में कुछ बदला है बनारस? देखिए, मोदी जी ने वहां काम किया है। बनारस कल जो था आज जो है, कल भी बाबा विश्वनाथ का बनारस था और आज भी बाबा विश्वनाथ का ही बनारस है। हाँ, मोदी जी जब से वहाँ के सांसद हुए हैं, वहाँ पे बदलाव बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। और हालांकि प्राचीन नगरी, हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है बनारस, तो उस हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर भी सरकार का प्रयासरत है और जो भी बदलाव हो रहे हैं वो प्रशंसनीय है। रितेश जी, शूटिंग के दौरान की कुछ ऐसी यादें जो आप हमेशा ही आपको याद रहे और आप अगर शेयर करना चाहें तो? शूटिंग के दौरान हमको अभी भी याद है, जब हम लोग दानगंज में शूट कर रहे थे और बड़े भैया सुभाष भैया का वहाँ पे बहुत ही एक अच्छा स्कूल चलता है जिसका नाम है JMS, तो वहाँ पे हम लोग गए और भैया ने वहाँ पे अपने केबिन में हम लोग को बुलाया और वहाँ पे रबड़ी खिलाई थी, बनारस की एकदम फेमस रबड़ी खिलाई थी, वो रबड़ी मैं कभी नहीं भूलूँगा। तो ये एक याद है जो कभी भूलेगा नहीं। आज यहाँ पर फिल्म से रिलेटेड बात ही की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आज अक्षरा जी मौजूद नहीं, इसकी क्या वजह है? जबकि वो भी आने वाली थी। वो शायद आ रही थी, ट्रैफिक में फंसी हुई है, तो आप लोग को ज्यादा वेट कराना, एक तो मैं विरार से आया, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो आप लोगों ने थोड़ा वेट किया। अब ज्यादा वेट हम लोगों ने कराना उचित नहीं समझा, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। आपने म्यूजिक पे कितना ध्यान दिया, क्योंकि फिल्म एक मिक्स है, जिस तरह से उसमें एक्शन डायलॉग सब कुछ भरा हुआ है, तो म्यूजिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी आई थिंक बहुत बड़ी थी। किस तरह से आपने राजा राजकुमार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने म्यूजिक को किस तरह से इसमें चयन किया है कि कौन सी म्यूजिक होनी चाहिए? कहानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मुझे सिचुएशन दिया गया था मेरे भाई पवन मिश्रा जी के द्वारा, फिल्म के डायरेक्टर पवन मिश्रा जी हैं, उसको मैंने काफ़ी हद तक सिचुएशन में मर्ज होके गाने बनाने की कोशिश की है। रितेश जी ने बहुत ही बढ़िया गाया है, अक्षरा जी ने भी बहुत अच्छा गाया है, इसमें अक्षरा जी का भी एक गाना है, उदित नारायण जी ने गाया है और एक बहुत अच्छी सिंगर हमारे बीच हैं आराधना मिश्रा जी, तो उनका भी गाना है। म्यूजिक कहानी में मर्ज होकर जो बेहतर बन सकता है वो मैंने करने का प्रयास किया। तो क्या आपके लिए कहीं मुश्किल भी रही इस फिल्म के लिए, जिस तरह से गाना जो आपको तैयार करना था, कहीं कोई मुश्किल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। कहीं हमें किस तरह से कहाँ सॉन्ग लेना है, और जिस तरह से बनारस बेस मूवी है तो उस पर भी ध्यान देना कि कहीं कुछ ऐसी वर्ड्स ना आ जाए जिसके ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए। इसका तो पूरा पूरा ध्यान हमारे डायरेक्टर साहब ने रखा है, क्योंकि पूरी फिल्म के मेन डायरेक्टर ही होते हैं और उनके ही हिसाब से म्यूजिक, लिरिक्स, स्टोरी, फाइट सारा कुछ डिसाइड होता है। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि मुश्किल का सामना करना पड़े, बहुत मज़ा आया और एक एक गाने बड़े मज़ेदार हैं, सारे लोगों ने साथ में बैठ के हमारा साथ दिया, मैं जो बना सकता था, मेरे से जो निकलवा सकते थे वो इन्होंने निकलवाया। टोटल कितने गाने हैं इसमें? टोटल इसमें 8 गाने हैं। सिंगर कौन कौन है सर? सिंगर रितेश पांडे जी, आराधना मिश्रा जी, अक्षरा जी, उदित नारायण, राजा हसन, तमाम बहुत सारे सिंगर। आपने फिल्म को राइट किया है, किस तरह से, आपने कितना वक्त लगा था आपको फिल्म लिखने में, और फिल्म माइंड में किस बातों को ध्यान में रखते हो आपने इस फिल्म की कहानी लिखी है? सबसे पहले तो जो पवन जी आए थे इस फिल्म बनाने के लिए थी, फिल्म बनाना भैया। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।